आज मैं बात करूंगी खुशी पे। मैंने अपने आसपास माहौल में देखा है कि लोग खुश नहीं हैं। लोग आके मुझसे पूछ रहे होते कि हम खुश नहीं हैं, हम क्यों खुश नहीं हैं। खुशी खुशी क्या है? खुशी कैसे मिलती है? ज़िंदगी में खुशी पाना क्या ज़रूरी है? खुशी कितने टाइप की होती है? खुशी अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज मैं खुशी को डिवाइड करूंगी दो पार्ट में, लॉन्ग टर्म खुशी एंड शॉर्ट टर्म खुशी। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म खुशी पे। अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपको खुशी मिल रही है, अगर आप फ़नी वीडियो देख रहे हो तो आपको खुशी मिल रही है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो आपको खुशी मिल रही है, अगर आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हो तो आपको खुशी मिल रही है, अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो आपको खुशी मिल रही है। इस टाइप की खुशी डिपेंड है आपकी एक्टिविटी पे। जैसे आप एक्टिविटी करते जाओगे आपको खुशी मिलती जाएगी। जैसे आपने इस एक्टिविटी को बंद कर दिया आपकी खुशी बंद हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जैसे आप वो एक्टिविटी करते हो तो ब्रेन हार्मोन रिलीज़ होता है तो आप खुश रहे हो, तो आप खुश हो रहे हो। तो जैसे ही आप अपनी एक्टिविटी को स्टॉप करते हो, बंद करते हो, तो ब्रेन हार्मोन रिलीज़ होना ख़त्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, आपको खुशी बंद हो जाती है। तो जितना आप रिपीट करोगी एक्टिविटी को, रिपीट करोगे करोगे उतना ही आपको ये खुशी मिलती रहेगी। तो आज की जनरेशन इस टाइप की खुशी में इन्वॉल्व है। दूसरी टाइप की खुशी है लॉन्ग टर्म खुशी, काइंड ऑफ पीसफुलनेस। ये कैसे हासिल होती है? ये हासिल होती है दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूशन करने से, दुनिया को समझने से, अपने आप को समझने से, कुछ अच्छे डिसीजन लेने से। अब इस लॉन्ग टर्म खुशी की बुनियाद बेसिक क्या है? लॉन्ग इसकी बेसिक है खुद ही सेल्फ डिस्कवरी, खुद ही की पहचान, जिसकी बात इकबाल में भी अपनी शायरी में की है, खुद ही की पहचान। एक आप है और आपके अंदर आपका एक सेल्फ है, आप उसको जानते तो हो लेकिन आप उसको पहचानते नहीं हो। आप क्यों नहीं पहचानते हो? इसकी वजह क्या है? इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे ये साइंस है कि हमारा ब्रेन है वो कॉग्निटिव प्रोसेस यूज़ नहीं करता। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है कि ये थिंकिंग प्रोसेस है, सोचने का प्रोसेस है। हमारा ब्रेन ये यूज़ इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, तो हमारा ब्रेन एनर्जी यूज़ करना नहीं चाहता, तो हमारा ब्रेन हमारे साथ ये खेल खेल रहा होता है। इसलिए हमने ये सोच सीखा ही नहीं कि सोचना कैसे है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कम्प्लीटली डिपेंड कर देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर पे, जैसे जिसमें आते हैं एजुकेशन, हमारे पेरेंट्स, माहौल, लोगों पे हम अपने आप को डिपेंड करते हैं, मीडिया से हम अपने आप को डिपेंड करते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हम मिमिक करना शुरू करते हैं, हम सीखना शुरू करते हैं उनसे, कॉपी करना शुरू करते हैं, हम कॉपी करना शुरू होते हैं। जैसे ही हमारी उम्र 15 साल हो जाती है तो हम इन सिचुएशनल एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड हो जाते हैं, इनसे सीखना, इनको मिमिक करना, कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम देखते हैं, अगर हमने अच्छे नंबर हासिल किए थे हम खुशी हमें मिल जाएगी, हम खुश हो जाएंगे। अगर अच्छी डिग्री हासिल कर ली तो हम खुश हो जाएंगे, अगर अच्छा घर खरीद लिया तो खुश हो जाएंगे, गाड़ी अच्छी होगी तो खुश हो जाएंगे, हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। लड़कियां क्या कर रही थी, अगर हम खूबसूरत दिखेंगे तो हमें खुशी हासिल हो जाएगी, लड़के क्या करते हम कूल दिखेंगे तो हमें खुशी हासिल हो जाएगी। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमें अप्रूवल दिया जाए सोसाइटी में, हमें सोसाइटी में वैल्यू दी जाए, हमें सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए, हमें सोसाइटी में कुछ समझा जाए। हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे होते हैं, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन जब टाइम गुजर जाता है ज़िंदगी में, काफ़ी साल गुजर जाते हैं, जब हम ये सब कुछ हासिल कर लेते हैं तब हम खुश नहीं रहते, हमारे पास गाड़ी भी आ जाता, पैसा भी आ जाता, जॉब भी अच्छी हो जाती, उसके बाद भी हम खुश नहीं होते हैं। तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि ये सब पॉइंटलेस था, ये तो सब मैं लोगों के लिए कर रहा था। तमाम तमाम इंसान इस सिचुएशन में, इन हालात में फंसे हुए हैं। तो आपको क्या करना है,
आज से आपने ये सोचना है, जितना भी आपने सीखा है अपने एक्सटर्नल फैक्टर से, माहौल से, लोगों से, सिचुएशन से, एजुकेशन सिस्टम से, मीडिया से, उस सब को आपको कट करना पड़ेगा। आपको उन सब को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। आपको ख़ुद को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अपनी ज़िम्मेदारी आप खुद लें, अपनी ज़िम्मेदारी खुद लें, अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी आप खुद लें। तो आज से कोई भी काम करें तो आप सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछें कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं काम, या अपने आप के लिए कर रहे हैं, या अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। तो आज से अपने आप को डिस्कवर करने का सफ़र शुरू करना है। बस आप अपनी ज़िम्मेदारी लें। आप ही अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने आप खुद ही को पहचान सकते हैं, और अपनी ज़िम्मेदारी आज लेना शुरू करें आप। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।